हाय, जय श्री कृष्णा, आई एम रोहित वर्मा। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल नाउ। मेरे साथ स्टूडियो में, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, इंटरनेशनल अवार्ड विनर फॉर फैशन, रीडिफाइनिंग फैशन, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत डेयरिंग है और रूल्स के हिसाब से नहीं जीती है, रोहित वर्मा। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलिए। मैं आपको ही एड्रेस करूं या शी? जेन्युइनली पूछ रहा हूं। देखिए, आई थिंक सो लव हैज नो जेंडर। ओके, आप मेरे को ही बोलिए तब भी मैं एकदम खुश हूँ, और आप मेरे को शी बोलेंगे तब भी मैं खुश हूँ, बिकॉज सोल हैज गॉट नो जेंडर। अगर मैं आपका दिल निकालूं, अपना दिल निकालूं और किसी औरत का दिल निकालूं, और पहचानिए किसका दिल क्या है। सो आप तो सब दिल तो दिल होता है। सो आई थिंक सो व्हाटएवर यू कंफर्टेबल कॉलिंग मी एज शी और ही, आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, हाउ स्वीट। मुद्दे की बात, निशा रावल आप दोस्त थे, निशा के लिए आप खड़ी हुई जब उन्होंने एक्यूजेशंस डाला था अपने हस्बैंड करण मेहरा पर कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया था निशा रावल के साथ, साथ में और बहुत सारे एक्यूजेशंस थे। आप दंके की चोट सामने आकर निशा के लिए खड़ी हुई थी और इस वक्त आप दोनों दोस्त नहीं है, क्या हो गया? वेल, मेरा और निशा का बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव रिश्ता था और हमेशा रहेगा। ओके, मेरी तरफ से तो हर पति पत्नी के बीच में यू नो झगड़े होते हैं। आई वॉज वेरी पार्ट ऑफ देयर फैमिली। ओके, इनफैक्ट कर मेरे को अपनी डॉटर बोलता है या बोलता था, अभी तो गुस्सा है मेरे से बिकॉज आई टुक निशा साइड। पर आई थिंक सो जब इतने रिलेशनशिप आप इतने क्लोज होते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होती है। मैंने निशा का हमेशा साथ दिया है और शायद हमेशा दूंगा भी इमोशनली, क्योंकि मेरा उसका एक इमोशनल कनेक्शन है। वो ये इसलिए कनेक्शन है कि लोग बहुत एहसान परामर्श होते हैं। लाइक जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो आज बहुत बड़े बड़े स्टार्स बन गए हैं, जो एक्नॉलेज नहीं करते कि उन्होंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया है। सो व्हेन निशा आई मेट, एंड जब निशा को मेरी दोस्त थी, निशा को जब मैंने पहला ब्रेक दिया था, उसके बाद मेरे उसके बीच में 3 साल का गैप हो गया, जहाँ पे मैं उसकी प्रोग्रेस देखता था। तो एक दिन मैं उठा सवेरे, विच इज़ लाइक अ मेनी ईयर्स बैक, मैंने बॉम्बे टाइम्स खोला एंड निशा की फ्रंट पेज पे पिक्चर्स थी, और उसने बोल्ड लेटर में मेरे को थैंक कहा था कि इट वॉज रोहित वर्मा हु इज़ रियली इंट्रोड्यूस मी इन टू द इंडस्ट्री, एंड टूडे वेर एवर आई हैव रीच्ड इज बिकॉज ऑफ हिम। तो फॉर मी इट्स अ वेरी, बिकॉज मैं बहुत एक सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई किसी को एक्नॉलेज करना आज के टाइम में इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड फिर मैंने उनको क्या कहते हैं कि कॉन्टैक्ट किया एंड वी मेट, एंड सिंस दैट डे वी बिकेम वेरी वेरी क्लोज। इनफैक्ट वी बिकेम सो क्लोज दैट आई कांट टेल यू, वी बिकेम लाइक अ टू बॉडीज वन सोल। एंड मी, करण एंड निशा, वी फॉर्म्ड अ वेरी ब्यूटिफुल फैमिली, एंड journey was going on. There was a problem between their marriage in 2014, okay, which I saved their marriage, and I made Karan understand where he was going wrong, okay. But the thing is that, you know, Nisha is a kind of person who really wants love. She's hungry of love. Because she comes from a very broken family, usko papa ka pyar nahi mila, okay. Mummy ne bahut sangharshon se usko pala hai. To usko bahut nazo se pala gaya hai. And जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड्स थे निशा के, वो सब उसको बहुत पैम्पर्ड करते थे। सो ऑब्वियसली यू नो मैंने उसकी एक जर्नी देखी, क्योंकि वो इतनी सेंसिबल लड़की है। यू नो निशा के ज़बान में सरस्वती है, वो जो बोलती है लोगों को अपने मुँह में कर लेती है, वो उसका प्लस पॉइंट है, वो उसकी USP है। वो इतनी बुरी इंसान नहीं है। पर जब आप अपने दोस्त के लिए खड़े होते हो, ओके, और आपका दोस्त एक गलत रास्ते में चला जाता है, ऑलराइट, तो वहाँ पे देखिए, आई एम अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, तो मैं ज़िंदगी में आपका 99% साथ दूंगा। अगर आपको 1% में मेरे को लग रहा है ये चीज़ गलत है, जो मेरे हिसाब से गलत है, दुनिया के हिसाब से, आई डोंट केयर, जो मेरे कॉन्शियसनेस को अलाउ नहीं करती है। तो मैंने और निशा ने इसकी कॉन्वर्सेशंस करी। मैंने कहा, मैं देखो ज़िंदगी में मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, पर इस चीज़ के मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। अभी मैं रोकना चाहता हूँ, ये कौन सी चीज है जिसके खिलाफ आप हैं? आई वॉन्ट टू बी एज ब्लेटेंट एज पॉसिबल। वेल, द थिंग इज, सी, आई टेल यू, ये सब बहुत ओपन हो गया है अब। एंड सी, आई एम अ वेरी मॉडर्न पर्सन, ओके, डेवलपिंग अ फीलिंग फॉर समवन, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ, ओके। कल को सिद्धार्थ, मेरे को तुम्हारे लिए भी फीलिंग्स हो सकती है, बट हमको अपने दायरे नहीं भूलने चाहिए। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण ने सब रिश्तों को बनाया है, ओके,
सो आई थिंक सो मैं तो वो पहले उसके चीज पर बात नहीं करूंगा। करण ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बेसिकली आप रेफर कर रहे हैं कि जो करण ने कहा कि निशा एक रिलेशनशिप में है सपोजिटली विथ हर मुंह बोला भाई रोहित सेठिया जी, उसके बारे में मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगा। आई डोंट वांट टू टॉक सो ओपनली अबाउट इट बिकॉज ये मेरा ऑल्सो परिवार का मैटर है और मेरे लिए मेरी दोस्त की इज्जत भी सब कुछ है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म में आके मैं अपनी दोस्ती यहाँ पे निभाऊंगा। मेरे को करंस के लिए आज भी वही प्यार है जो मेरे लिए उसके लिए कल भी था। हालांकि उन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन केस किया है जो मैं फाइट कर रहा हूँ, ओके, बट आई थिंक सो देखिए जो भी उस टाइम जो सिचुएशन थी, ओके, जिस टाइम से अगर आप रात के 12 बजे या 10:30-11 बजे आप किसी के घर में घुसेंगे और वो लड़की ब्लीड कर रही है, बुरी तरह ब्लीड कर रही है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली यू विल नॉट सी लेफ्ट एंड राइट, ओके। जब वो कह रही थी करण ने मेरा सर मार, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट फाइट, ओके। आई रीच देयर, जब मैं वहाँ गया तो ऑलरेडी बिल्डिंग के 2-3 उनके फ्रेंड्स थे, ओके, और पुलिस को इन लोगों ने फोन कर दिया था। और तो मैं चुपचाप वहां पे खड़ा था, ओके, मैं सिर्फ निशा का उस टाइम ब्लीडिंग सर देख रहा था, ओके। वहां पे इन्होंने निशा ने निकलते हुए करण को भी बोला था जब पुलिस आ गई थी कि मैं निकल रही हूँ तो यू से सॉरी, आई विल फिनिश इट ऑफ, ओके। पर वहां पे सिचुएशन इतनी उस रात को खराब थी ना कि सब अपने मानसिक संतुलन खो बैठे थे। और मैंने सिर्फ अपनी दोस्त का साथ दिया, ओके। निशा एक एडल्ट पर्सन है, उनको अपने डिसीजंस खुद पता है क्या सही है क्या क्या रॉन्ग है, ओके। एवरीबडी टेक्स देयर ओन डिसीजंस इन लाइफ, यू नो, वी आर नोवेयर, वी ओनली स्टैंड बाय देयर फ्रेंड्स, इट डज नॉट मीन दैट वी आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ऑलराइट। और जो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो तो उनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो तो आगे जाके देखेगा। बट आई थिंक सो ये दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अब ये सोचता हूँ मेरे को एक मैजिक बॉन्ड दी जाए, अगर मेरे से भगवान आके ये पूछे कि एक चीज़ तुमको चेंज करनी है तो क्या करोगे, आई वुड लाइक दैट, आई थिंक दे बोथ शुड पैच अप, नॉट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी क्यूट एंड ब्यूटिफुल ब्रदर ऑफ माइन जिसको मैं राखी मानती हूँ, उसका नाम काविश है। तो मेरा बहुत एक परिवार मेरा एक बिछड़ सा गया है, तो मैं उस बात को मैं चेंज करना चाहूँगा। क्योंकि आप उसके बारे में नहीं बात करना चाहती है डेप्थ में, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सो आई वोंट गेट इनटू दैट। पर वो जो डिसएग्रीमेंट था निशा के साथ, जो आपने कहा निशा मैंने आपको सपोर्ट किया, ये हुआ आपके और करण के बीच में, आपने स्टैंड लिया जी, विच इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, क्योंकि स्टैंड लेना सेज आपके पास एक ओपिनियन है और आप खड़े हो जाते हैं। यू डिसएग्रीड विद निशा और आपकी दोस्ती खत्म हो गई जी। इस वक्त क्या आप और निशा टॉकिंग टर्म्स में? नहीं, मैं टॉकिंग टर्म्स में तो नहीं हूँ, पर मैं जब चाहूँ उसको फ़ोन लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कोई भी चोर नहीं है, ओके। बट मैं हर्ट हूँ क्योंकि उन्होंने 8th को मेरे बर्थडे वाले दिन उन्होंने मेरे को बिना मेरे से बात, जब आपका 25 साल का रिलेशनशिप होता है, किसी भी रिश्ते में प्यार इज्जत विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है, ओके। पर उन्होंने जाने नहीं जाने लोगों की बातें ओपिनियन फॉर्म करके कुछ स्टूपिडिटी करके उन्होंने एक ओपिनियन मेरे लिए फॉर्म कर दिया, ओके, और उस ओपिनियन के आधार पे, ऑलराइट, उन्होंने मेरे बर्थडे मेरे को रीत भेज दी जो मेरे लिए बहुत हर्टफुल था, ओके। सेंडिंग अ रीत टू योर ओन बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारे लिए फादर रहा है, जो तुम्हारे साथ जिसने तुम्हारे साथ दुख सुख बिताए हैं, इट्स फॉर मी सब बिग थिंग। हालांकि वो मेरे सबको कह रही है मैंने पीस फ्लावर भेजे थे, पर लिसन, मैं इतना भी अनएजुकेटेड नहीं हूँ, यू नो, सो लाइक I understand what is peace flower and what is round thing when you get in your house on the day of your birthday. So it was a very big thing for me. It was very shocking. And उन्होंने I think मेरे birthday वाले दिन ही मेरे को Instagram से unfollow किया था. And उन्होंने एक opinion form किया, उन्होंने मेरे को letter भेजा था उसपे. And since then we are not in talking terms. And like, but मैं हमेशा उसकी हमेशा I will always pray always well for her. Are you upset with Nisha? I'm hurt with Nisha. I'm hurt. Because I think so. She, see, as a queen, as a gay, I really, really go through a lot in my life, okay? But she's the kind of person, she was my strength. I thought that, okay, if I die early, she will give me the fire, not my family. Obviously, because world doesn't know mine and our relationship. We were two bodies, one soul.
right? She is like, when the Kavish was born, I was the one who took Kavish first. So I miss all those moments. Karan Papa, I was a daughter. He had no shame holding my hand in the public. He loved me as if there's no tomorrow. So I feel bad that family is broken like this. I feel bad things gone so bad in between them. And trust me, we never came from that kind of a thought process ki ye baatein itni ho jayengi, because Nisha itna gusse mein thi us waqt, itna gusse mein thi ki, you know, like, see, but I cannot put words in someone's mouth, no? So why friends have been dragged? Equally sab important hote hain, hum baith ke baat kar sakte the, par har, main khul ke nahi bolunga, par har insaan ke zindagi mein ek rakshas zarur hota hai. Wo rakshas hum pe itna bhari ho jata hai, okay, कि हम सही और गलत के बीच में हम भूल जाते हैं. मैं किसी राक्षस का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, ओके, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि बिकॉज यूजली यू नो. डू यू रिग्रेट स्टैंडिंग बाय निशा? नो, आई डोंट रिग्रेट डूइंग एनीथिंग, ओके. आई ओनली रिग्रेट दैट आई शुड हैव सैट डाउन विद करण वंस एंड स्पोकन टू हिम माय हार्ट आउट एंड गॉट हिज पॉइंट ऑफ व्यू. उनका पॉइंट ऑफ व्यू आई न्यू हिज पॉइंट ऑफ व्यू आई न्यू हिज पॉइंट ऑफ व्यू बट आई थिंक सो उसको कोविड हो गया था एंड सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था और मेरे को ये बोला गया था कि करण हैज़ गॉट नो लाइकिंग फॉर मी, लाइक यू नो, करण हेट्स मी, करण डजंट लाइक मी, करण डजंट, जो तुम उसको बाप बाप करके इतना प्यार करते हो उसके लिए वो फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं है. मेरे को ये बोला गया था, इनकी एक बॉम्बे टाइम्स में स्टोरी आई थी, मेरे को ये बोला गया था कि आई लीड दैट स्टोरी. वो स्टोरी क्या था? इनका एक रूमर आया था कि इनके रिलेशनशिप में टर्बुलेंस चल रही है, ये झगड़े से पहले, ये बिग फाइट की जी पहले. जी, तो उस वो बोला गया कि ये स्टोरी शायद रोहित ने लीक करी. वो मेरे को बहुत दिल पे लगा था. अब जब डिफेमेशन केस है जी, लीगली आर यू अलाउड टू कॉल हिम? आई कैन कॉल हिम एनी टाइम बट आई डोंट फील लाइक कॉलिंग. इट्स जस्ट लाइक यू मिसिंग. आप करण को मिस कर रहे हैं, आप निशा को मिस कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा भी एक रिलेशनशिप है, ओके. मैंने उनको एक बार मैसेज जरूर किया था, आई नॉट लाई अबाउट इट. मैंने कहा था, इफ आई एवर टच्ड योर हार्ट, दिस आई वांट टू मीट यू वंस, ओके, नॉट टू बिच अबाउट निशा, नॉट टू टॉक अबाउट एनी अदर केस. आई वांटेड टू से, आई जस्ट वांटेड टू से दैट, यू नो, कि वॉट एवर हैपेंड, यू नो, हैज नॉट गॉन वेरी वेल, नीदर फॉर यू नॉट फॉर निशा. ऑलराइट, सो आई वांटेड टू talk to him, but I think he's so angry right now that he doesn't want to see my face. But it's fine, okay? But I don't regret whatever I said, okay? I don't regret that I said something wrong, okay? मेरे को जैसा बताया गया मैंने वैसे ही बात करा. Obviously, किसी के लड़की का सर आप फट के देखोगे, you know? How would a person be? You are my brother, you are my friend, I am, we are two body one soul. और आपको लगता है मेरा boyfriend ने मेरा सर फोड़ दिया, आप रात के 10 बजे आते हो, आपका first reaction क्या होगा सिद्धार्थ? Do you think Nisha उस वक्त सच बोल रही थी? I don't know, because I was not there. पर मेरे को उसको देख के लग रहा था कि कोई कोई इतनी लड़की, अब कोई इंसान इतना बुरी तरह सर पे कैसे दीवार मारेगा, कोई पागल थोड़ी ना है जो अपना सर ऐसे मार देगा. तो मेरे को लगता है कि करण ने उसको धक्का दिया होगा. कहीं आपको डाउट्स है इस वक्त कि शायद निशा ने झूठ बोला होगा? सी आई ऑनेस्टली सी डाउट्स, सी वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर ह्यूमंस, एंड टू एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन. ऑलराइट, सो आई डोंट नो कि वो सच बोला कि झूठा, पर उस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा है. इतने महीनों बाद एक इंस्टिंक्ट आती है, राइट? आप इस वक्त बाहर बैठ के एनालाइज कर सकते हो, यू नॉट इन द हीट ऑफ द मोमेंट. अगर आप में से कहोगे अगर मैं कृष्णा कॉन्शियस होकर अगर मैं सच बोलूं, तो आई थिंक आई एम ब्लैंक, आई डोंट नो, आई एम ब्लैंक, आई हैव गॉट नो से इन दैट, आई डोंट नो, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट नाइट. When I reached over there, already Karan's friends were there and Nisha was bleeding that time. So do you think फिर कि आपको उस वक्त निशा का साइड लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपने भी स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट किया है? नो, बिकॉज ऑलरेडी इन लोगों ने, नो, मैंने निशा से बात किया था इसके बारे में कि निशा, डू यू रियली वॉन्ट टू गो टू पुलिस? वी डिड स्पीक अबाउट इट, ओके. देवर निशा फ्यू फ्रेंड्स, आई डोंट वॉन्ट टू नेम देम, देवर ऑल्सो देयर, एंड दे ऑल टुक हर साइड एंड शी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज कंप्लीटली नॉट इन अ सेंसेस दैट नाइट. So that time, you know, the moment, the situation was very different. Everybody was into different space of mind and all.
खो गया जो होना था।